बोल काका बाबा ने राम राम। हूँ तुम्हारी बस में मुकेश परमार खबर लेने आ गया। इन हारू के दिलीप सिंह अपना स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया बाबू से तिने आदिवासी हारू घनी लड़ाई लड़ी ने तिने जहाज सरपंच सांसद विधायक बनया। जे आना इलाका में हूँ से कि पैसा एक्ट कानून बनाया ताकि हूँ आदिवासी जहाँ आदिवासी समाज वधारे से ता तिहूनी सीट मलूज हो तो पैसा एक्ट कानून हो से तमन हूँ मैं हमारे हाथ से अखिलेश भाई मेड़ा तीन पूछी। अखिलेश भाई राम राम। राम राम। ये दिलीप सिंह एक मिनट तमन एम कह कि ये दिलीप सिंह बाबा भूरिया हूँ पैसा एक्ट कानून बारा में हूँ से यही हमने बताड़ियो। ये जमीन हमारी ये जंगल हमारा पानी पड़े यो भी हमारो वायु हमारे तिने बाद यह कहना मतलब यह हमारी मेहनत करे ये भी हमारे तिना पर इसको पैसा कानून समझने के पहले हमको हमने समझो जाए कि पैसा कानून आयो कहाँ थे। तिना अनुच्छेद 40 ने समझो पड़े अनुच्छेद 40 जो भारतीय संविधान में से तीन माँ महात्मा गांधी तिने एम कह दो कि हमने पंचायत ने जो ग्राम पंचायत से तीन मजबूत बनावानो तिने महात्मा गांधी एवं तिने बात करी तिने रीते प्रत्येक गांव में अलग 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 रह से तीन माँ ग्राम पंचायत में अलग अलग टोला बनावाना हमड़े भी लोग रह से तिने अंतर्गत बाबा दिलीप सिंह भूरिया एम एक एक्ट बनावानी बात करी तिने अंतर्गत ग्राम पंचायत जनपद पंचायत अने जिला पंचायत तिहुनी बात करी तिहुनी बात करे ते एक कमेटी बनावे तीन कमेटी ना नाम भूरिया कमेटी नाम थे ते 17 जनवरी 1995 उसके अंतर्गत हमको ये जानना है संविधान के भारतीय संविधान में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ उसके अंतर्गत भाग नौ को जोड़ा गया उसी को अपन 1992 का अधिनियम 1992 अधिनियम भी कहते हैं। तीन अंतर्गत 243 खा जो जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत जनपद पंचायत और जिला पंचायत उसमें प्रमुख रूप से ते हमारा लोग रह जाए त्या तीनों हो करे फिर और 73वां संशोधन अधिनियम 1992 तीन में एम के लो इस कानून के तहत भारत के संविधान भाग 9 को जोड़ा गया। भाग 9 के अनुच्छेद 243 ख में ये बताया गया कि राज्य में ब्लॉक पंचायत ग्राम पंचायत और जिला में गठन किया जावे। अनुच्छेद 243 घ के अंतर्गत जो अनुसूचित क्षेत्र में जो भी भाई निवास करते हैं उसमें चाहे जनजातियाँ स्त्रियाँ हो अन्य पिछड़ा है उसके लिए एक आरक्षण है तो एक विस्तृत व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 243 जो हमने बात करे थे छठी अनुसूची ने तीनों अंतर्गत उत्तर राज्यों के लिए कानून नहीं लागू होएगा है ना। तो उसको उस कानून को हमारे माननीय दिलीप सिंह भूरिया जी ने उस कानून को पढ़ा और समझा उस कानून के लिए भारतीय भारत ना संविधान में तिने 2 साल हारू तिने अध्ययन करो फिर तिने संसद में लीन गयो तीन माह इन्हें हूँ करियो तिने बाद इन्हें अनुच्छेद 243(4)17 जनवरी 1995 के मुख्य तीन शर्तें तीनों राखी कि अनुसूचित क्षेत्र जितना भी है तीन माह पंचायत में जनजातिक सदस्य का बहुमत होना चाहिए उसने उन्होंने तीन शर्त की पहली शर्त उन्हें ये रखी अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों का बहुमत हो। दूसरा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वो दोनों ही अनुसूचित जनजाति के ही होना चाहिए और उसके बाद उन्होंने तीसरा ये रखा कि महिलाओं के लिए जब मतलब महिलाएं बहने थे तो एक तिहाई बहुमत हो जाए इन्हें ये शर्त रखे अन पैसा एक्ट कानून इन्हें संसद में लीन गयो हो अंतिम बाद इन्हें ना मतलब 2 साल बाद 1996 में इन पास करो करा हमारे माननीय दिलीप सिंह जो भूरिया है उनके अध्यक्षता में उसको 1996 में जो लेके गए हैं उसको वहाँ पर रखा गया उस पटल पर और 1996 में इस पैसा कानून में मतलब यह था अपना हमारा अधिकार मतलब हाँ, मतलब जहाँ आदिवासी जहाँ आदिवासी नी बस्ती रहे हाँ, मतलब जहाँ आदिवासी वदूर वधारे हाँ, मनखूर है तेना जो कानून बनावानी बात करी है रीते कि जैसे कि मान लो कहीं बीजा समाज ना आवीन आई सुनावणी लड़ी सके तो जहाँ आदिवासी वधारे छे तिना जिला में तिना आदमी अध्यक्ष बनावी सके तिना ने हेवी रीते हाँ हेवी रीते तिना काम करे पैसा कानून ने समझवू पड़े कि पैसा कानून वास्तव में है शू
पैसा मतलब तेना नानो रूप से पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों क्षेत्रों पर विस्तार। अब अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार त्यो यो कानून बनाया 1996 में यो कानून इन पूरा कानून ना नाम ही यो से पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार तीनों अंतर्गत पंच आपड़ो रहे सरपंच आपड़ो रहे जनपद सदस्य जो बने तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे त्यो भी आपड़ो रहे जिला पंचायत सदस्य में त्यो भी आपड़ो रहे त्या तीन जनसंख्या आधार पर त्या बने एवं कानून लागू करे। लेकिन हमने ना हमने देखे घना गावड़ा में एवं से तीनों मेन उद्देश्य तो ग्राम सभा में जो निर्णय ग्राम सभा में लीन जाए तो ग्राम सभा ने सर्वोपरि तो निर्णय होता। लेकिन हमने हो तय कि ग्राम सभा में कहना देखी नहीं रो ग्राम सभा में वो साले रहते मालूम ही नहीं हमारा जो बना लिखला सोरा से यूँ ये जानो जाए कि आखिर ये जो हमारे आदरणीय दिलीप सिंह जी भुरियान ने जो कानून बनाया है अपना पैसा कानून उसको एक बार अवश्य तीनों ने एक बार अवश्य तीनों बारे में जानो जाए आखिर में यो कानून है सु तो बनेला सोरा से तीन एक वक्त जरूर जानो जाए क्योंकि गांव में बनेला हमारे सरपंच बनेला घना केवा बनेला सबुन मालूम से केवा से केवा ने पर एक ग्राम सभा में एक मोटो कानून लगे ग्राम सभा तो मतलब संसद ने बराबर रहे संसद मतलब रहे जिनमें कानून बने इवन एवी रीते हमारा ग्राम सभा नो ग्राम सभा भी से तो एक मोटो रूप से संसद कहवाई है हमारी पंचायत में जो संसद कहवाई थे ग्राम सभा से और तीन रीते हम हमारे देखे रहा एक काजी डूंगरी में हम हमलो से तब पूरा खदान खोदी नाख्या ते ग्राम सभा में तीनों प्रस्ताव हुए कि नहीं हुए तो भी हमें देखो जाए मतलब तारो एम तमारो एम कहवानु कि अखिलेश भाई कि ग्राम सभा में कई भी निर्णय थाय तो गाम में पूछीन बैठक थाय चर्चा खाए गाम नी बैठक थाय नी बाद निर्णय लेव जो बीजो कई भी मान लो खदान हो तो गाम में आवीन बीजा आवीन खोदी दे सरकार आदेश हाल ने कि खोदवानो तो खदान थोड़ी खोदी सके ग्राम पंचायत नो प्रस्ताव जो है हेम की रखे हाँ हेम की रहो है ये हेम हो जाए पर हाँ एवं साले रो मतलब बिना पूछे ही सब काम करे रहा गाने वाता रहे रहा हम वहाँ भी देखे रहा कि नगर परिषद में भी जो अनुसूचित क्षेत्र कहवा है तीन माँ भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्या हमारी हमारा लोग होवा जाए पर उपाध्यक्ष पर भी बीजा बीजा बेरा लेकिन तीन माँ आरक्षण आली मिल जैसे तीन माँ भी अच्छा तो हेवी रीते अखिलेश भाई मेरा बताड़ू कि अपना दिलीप सिंह बाबा भूरिया हूँ कानून करूँ पैसा एक्ट कानून बारे में तमने पूरी बात बताड़ी तो हेवी रीते पैसा एक कानून बदा ने भणव जो है तीना बारा सोपड़ी से दिलीप सिंह जी भूरिया बाबा दिलीप सिंह भूरिया तीने एक सोपड़ी भी बनाई से तीना सापेली सोपड़ी से ते केवी रीते से ते भी तमन हूँ ये सोपड़ी ना माध्यम थी बताड़ू कि ये सोपड़ी भणव जो है ताकि हूँ से एक आदिवासी सेवा संघ झाबवा तरफ थी सपाड़ेली से ते तीना माध्यम तमन कानून ना बारा पैसा एक्ट कानून हूँ से तेनी सोपड़ी में बधुं जाणवा मळी जाए कि दिलीप सिंह बाबा भूरिए केवी रीते मजबूत करी अपना धाबवा ने अलीराजपुर जहाँ धार से जहाँ अपना जाली अपना आदिवासी समाज से ताना बारा में पूरी कहानी से मजबूत मालूम पड़ जाए तो ये हेवी रीतनी बात से तमन हूँ इन्हीं हारू किरो के हर कोई सोरा से हमने नवा से जवान सोरा से बदान भणे ले इन बारा में ताकि दिलीप सिंह अपना दिलीप सिंह बाबा भूरिया ने बारा में भी जानकारी मिले ताकि हेवी रीतने कानून थी हमें पास कराई से तो हूँ तमन ये खबर हिनिहारू लेने आयो कि पैसा एक्ट ने जाणू जरूरी से तो तमने अमरा SMS न्यूज में चेनल में असल खबर लागी होय अने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखजो कि हम जाणू जो कि नहीं जाणू जो कि हर कोई कमेंट बॉक्स में जरूर लिखजो अने मारा चेनल ने तमे बाहर रहो सब्सक्राइब नहीं करियो होय तो सब्सक्राइब करवानो भूलजो मत पहले तमे बटन सब्सक्राइब करजो अने मेरे घंटी से तीन घंटी अने कमेंट करवानो भूलजो मत हूँ तमारी बस में फेर एवी खबर लेने आवतो रही अपने आदिवासी समाज ने मुद्दा नी बात कोई भी खबर ली तमारी बस में ली आवतो रही काका आवा बदान राम राम।